आज हम बनाएंगे टेस्टी और फ्लेवर से भरा हुआ पनीर मशरूम ग्रेवी। रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। सबसे पहले हम एक फ्राइंग पैन में एक टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें 5 भेड़ की मिर्ची डालेंगे, 3 लहसुन, एक मीडियम साइज चॉप प्याज ऐड करेंगे। इसे हम 30 सेकेंड्स के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे एक चॉप किया हुआ टोमेटो। हम इसे मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, फिर हम इसे ठंडा करके मिक्सर में डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। अब हम इसमें 5 टेबलस्पून पानी डाल के इसे और 1 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे। तो इस तरह आपका स्पेशल मसाला ग्रेवी तैयार। फिर हम 16-18 काजू को 1 मिनट 30 सेकंड के लिए लो फ्लेम में रोस्ट कर लेंगे। फिर हम इसे मिक्सर में डाल देंगे 10 टेबलस्पून पानी के साथ। हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह काजू का पेस्ट तैयार। फिर हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल और 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। जैसे ये गर्म हो जाएगा हम इसमें एक मीडियम साइज टोमेटो ऐड करेंगे। इसे हम 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से मिक्स करते करते पकाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 स्मॉल टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 स्मॉल टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून भिड़की मिर्ची पाउडर, 1 स्मॉल टेबलस्पून किचन किंग मसाला, 1/2 स्मॉल टेबलस्पून जीरा पाउडर और आखिर में 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हमारा स्पेशल मसाला ऐड करेंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकाएंगे और फिर हम इसमें डालेंगे हमारा काजू का पेस्ट और इसे हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें 1/2 बाउल काजू के मिक्सर का पानी ऐड करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें 20 टेबलस्पून मसाला ग्रेवी का मिक्सर का पानी ऐड करेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम में 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। 30 सेकेंड्स मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मावा। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें 5 टेबलस्पून मसाला ग्रेवी का मिक्सर का पानी ऐड करेंगे। हम इसे लिड लगाकर 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। जब तक के लिए हमारा ग्रेवी पक रहा है हम 1 टेबलस्पून ऑयल में एक बिग साइज चॉप्ड कैप्सिकम को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। फिर हम हमारे ग्रेवी में 7 पीस ऑफ चॉप्ड फ्रेश मशरूम ऐड करेंगे। मशरूम को हम ग्रेवी में 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। फिर हम फ्राई किए हुए कैप्सिकम को ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हम सबका प्यारा पनीर। पनीर मशरूम ग्रेवी के लिए हम 100 ग्राम पनीर का इस्तेमाल करेंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकने देंगे। अब हम इसमें 1/2 लेमन स्क्वीज करेंगे कुछ इस तरह। आखिर में हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। तो इस तरह एकदम डिलीशियस पनीर मशरूम ग्रेवी तैयार। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अमेजिंग रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।